गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कयादत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश की। हाईकोर्ट बार मेरा घर है, आज अपने घर में वापस आ गया। काला कोट और काली टाई अजीज है, रफीक रजवाना की गुफ्तगू। नई असेंबली, नई उम्मीदें, इक्तदार की मुंतकली का एक और अहम संगमील अबूर। 354 नौ मुंतखब अराकीन ने पंजाब असेंबली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल ने अराकीन से हल्फ लिया। अराकीन असेंबली का रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करने का सिलसिला जारी। सबसे पहले मखदूम हाशिम जमा बख्त ने दस्तखत किए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लीगी अराकीन असेंबली की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। साबिक वजीर दाखला चौधरी निसार हल्फ लेने ना आए। पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर भी लीगी अराकीन का एहतजाज, चोर चोर के नारे। डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार दोस्त मजारी फूलों के हार पहनकर और तारिक मसीह गिर जंजीरें पहनकर आए। सीनियर सियासतदानों ने बतौर रुकने पंजाब असेंबली हल्फ उठाया। चौधरी परवेज इलाही, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, अलीम खान, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद और डॉक्टर मुराद रास ने हल्फ उठाया। स्पीकर का इंतखाब हो जाए फिर वजीर आला का ऐलान भी हो जाएगा। असेंबली का माहौल बेहतर बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। नामजद स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। मुखालफीन पर भी तनकीद, बोले काली और नीली पट्टियां चलती रहती हैं, जो मर्जी बांध लें। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। नवाज शरीफ की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, लोगों ने वोट शेर को दिया, जीत कोई और गया। हमजा शहबाज की असेंबली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। ऐसी ओपोजिशन करेंगे कि इमरान खान को दिन में तारे नजर आएंगे। और ट्रेडिंग की बुनियाद पर हुकूमत बनने जा रही है। नए पाकिस्तान की बुनियाद झूठ पर मबनी है। ख्वाजा साद रफीक के कप्तान पर वार, कहा थैलों से वोट निकलते तो इमरान खान मुंतखब ना होते। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी से होगा। पीटीआई की जानिब से स्पीकर के लिए चौधरी परवेज इलाही, डिप्टी स्पीकर के लिए दोस्त मोहम्मद मजारी नामजद। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी मोहम्मद इकबाल गुजर स्पीकर और मलिक वारिस कल्लू डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद। नून लीग के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असेंबली को जमा करा दिए। वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। तालीम और सेहत तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह है। तीसरी बार जमहूरी तरीके से इक्तदार की मुंतकली हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान बोले नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। नया ऐवान नया जज्बा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सानिया आशिक और हीना परवेज भट्ट के ऐवान में आबाद हल्फ उठाया। लीगी एमपीए जेबुन्निसा की नवाज शरीफ की तस्वीर ऐवान में ले जाने की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। नया सियासी सफर, खवातीन अराकीन की खसूसी तैयारियां। दीदा से ब्रेसेस और चेहरे पर काले चश्मे, खूबसूरत मेकअप के साथ मैचिंग ज्वेलरी, हील वाले जूते पहने, बाजुओं में मैचिंग पर्स उठाए, हल्फ उठाने आई। आजाद रुकन जुगनू मोहसिन ने भी हल्फ उठाया। अवाम की ख्वाहिश पर हुकूमत बनाने वालों का साथ दूंगी, जुगनू मोहसिन की गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी अहलिया के हमरा पंजाब असेंबली आए। आप पर इल्जामात लग रहे हैं, सहाफी का नजम सेठी से सवाल। वक्त कहता है इंतजार फरमाइए, नजम सेठी का जवाब। जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए, नई पंजाब असेंबली में पहली करारदाद जमा। करारदाद तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी की जानिब से जमा कराई गई।
पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात जारी। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की आज फिर नैब में पेशी। आशाना इकबाल और एलडीए सिटी में ख्वाजा बरादरान की मुशावरत से ठेके दिए जाने का इंकशाफ। और आमदन से जायद असासा इजाद का केस, लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर नैब में पेश। पंजाब पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों के केस में डीआईजी बाबर बख्त कुरैशी भी नैब में पेश। बाबर बख्त कुरैशी को बतौर साबिक डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट बुलाया गया है।